देखिए, झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे आसाम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले शोर मचाना शुरू कर दिया कि रोहिंग्याज आ गए हैं, इलीगली माइग्रेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। अब दिल्ली का चुनाव फरवरी में है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसलिए दिल्ली के अंदर अब इसको मुद्दा बनाया जाएगा। अभी तक आप कहाँ सो रहे थे आप? क्या अभी ये जो रोहिंग्याज और ये गैर कानूनी लोग घुसकर आए हैं, अगर आए हैं तो क्या वो अभी 5 दिन पहले आए हैं, 1 महीना पहले आए? क्यों नहीं आपने पहले से इस तरफ तवज्जो दी है? जब इलेक्शन आता है तब इस तरीके के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, चूँकि अपनी सरकार में बीजेपी कोई विकास का काम, जनता का काम नहीं करती है। और दिल्ली तो सीधा सीधा भारत सरकार के अंडर है, मुख्यमंत्री के अंडर है, दिल्ली की सारी पुलिस LG और होम मिनिस्टर के अंडर है। तो आप सो रहे हैं, कैसे घुस के आ रहे हैं? इसके लिए खुद बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो जाते हैं, और दोनों इतने नफरत से भरे हुए बयान देते हैं कि जिनके बीच में भारत की जनता पिस जाती है। जो बयान अवैसी साहब देते हैं, उन बयान की वजह से ही शुबा पैदा होता है कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी का खेल तो नहीं खेल रहे। और ऐसे वक्त में जब झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा है, इस तरीके के बयानात जो वो दे रहे हैं, वो मुसलमानों पे असर नहीं डालेंगे, वो तमाम हिंदुओं को इकट्ठा कर देंगे और उसका नुकसान सेकुलर पार्टीज़ को होगा। देखिए, मुझे अफसोस भी है और तकलीफ भी है कि चुनाव के बीच इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। फडणवीस क्या चाहते, किस तरीके का धर्म युद्ध करना चाहते, पता तो चले। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि बटोगे तो कट जाएंगे, प्रधानमंत्री कह रहा है एक रहोगे तो सेफ रहेंगे, अब ये नया नारा आ गया है धर्म युद्ध का। क्या चाहते हैं? क्या आप देश के अंदर दंगे कराना चाहते हैं? आप देश की एकता आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? कोई भी जो भारत से प्यार करता है, जो देशभक्त है, वो इस तरीके के नारे नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी गोरखपुर में और जगहों पर अस्पतालों के अंदर बच्चे मारे गए हैं, और अब ये झांसी के अंदर आग के अंदर 15 बच्चे मारे गए। तो बोलते हुए सुनते हुए तकलीफ होती है, किस तरीके की सरकार है उत्तर प्रदेश की। इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, और इस वाकये के बाद योगी आदित्यनाथ अगर सचमुच अपने आप को योगी मानते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने के और सरकार चलाने के काबिल नहीं है। 15 बच्चों की मौत आग में हो जाए, इससे बड़ा वाकया नहीं हो सकता है।